आवाज आ रही है मेरी? हेलो, सर आ रही है आवाज। अच्छा जी, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर ये 10 है और इसमें हमने साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस परफॉर्म करना है। चैप्टर नंबर 9 में हमने बेसिक्स जो है ना वो सीख लिए कि अगर आप एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं आरएलसी सर्किट के साथ, सोर्स हमारे पास एसी हो तो उसके पर हम एनालिसिस कैसे करेंगे। मींस कि उसका रिस्पांस मतलब साइनोसाइड्स को आप टाइम डोमेन में कैसे ऐड करते हैं। दो टेक्निक्स हमने पढ़ी, एक वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके और दूसरा जो आपके पास ग्राफिकल अप्रोच था, और वह हमने देखा कि वो ज़रा थोड़ा अगर सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो फिर आपके पास वो उसे एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने एक टेक्निक सीखी फेजर के। फेजर्स बेसिकली क्या है? फेजर आपको जो साइनोसाइड्स की है ना वो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो आपको एम्पलीट्यूड और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और उसके आपके पास तीन फॉर्म्स है, रेक्टेंगुलर, पोलर और एक्सपोनेंशियल। तो जो भी आप मतलब आपने अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही रह के उसको एनालाइज करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए वो पोलर बेस्ट रहता है। तो हमने फिर लास्ट में ये भी देखा कि जो ओम्स लॉ है, सॉरी किरचॉफ्स लॉ, जो दोनों लॉज है केसीएल के वेल, वो आपके पास एप्लीकेबल है। और उस पर हमने एंड में फिर सर्किट सॉल्व की कि जो आपके पास सीरीज पैरेलल किसी भी मतलब लूप में केवीएल केसीएल आप लगा सकते हैं ना, आपने अगर वो अप्लाई कर सकते हैं तो इसका मतलब जो आप जितने भी एनालिसिस टेक्निक्स है जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके पास ये नोडल एनालिसिस है, मैश एनालिसिस है, तो इसमें केवीएल केसीएल ही अप्लाई होते हैं। और चैप्टर 9 में हमने सीखा कि हाँ फेजर डोमेन में ये एप्लीकेबल है, किरचॉफ्स लॉ जो दोनों है, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों आपके पास एप्लीकेबल है एसी सर्किट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर ना आज का ही लेक्चर ही हमने इसको ये वाइंड अप करना है, बिकॉज इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, ये सारी चीज़ तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना एलसीए में, ये पढ़ा है ना आपने एलसीए में, ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। सुपर पोजिशन थ्योरम अब्दुल रहमान पढ़ा है ये सारी चीज़ें। यस अच्छा, तो अब ना हमने मतलब वहाँ आपने एलसीए में रेजिस्टिव सर्किट के लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई की थी, चाहे थेवेनिन हो, नॉर्टन हो, मेश एनालिसिस हो, वो सुपर पोजिशन हो, वट एवर। ठीक है, लेट सपोज मैं ये सिंपल मल्टी सोर्स नेटवर्क ले लेता हूँ जिसमें सोर्सेज ना आपस में सीरीज में है ना पैरेलल में, तो इस टाइप के सर्किट को फिर या आप एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं या आपके पास थ्योरी यूजिंग थ्योरम्स। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ के पास वोल्टेज सोर्सेज होते थे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, या करंट सोर्सेज इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, और ये आपके पास जो सर्किट एलिमेंट्स होते थे वो रेजिस्टिव सर्किट होता था, ये सारे रेजिस्टर थे। अब ये बात गौर से सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपके पास ये जो सोर्सेज हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये एसी सोर्स हो जाएंगे। तो इसको आप वैसे यहाँ लिखा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ वी एस लेट सपोज लिखा होता है एसी के 10 और एंगल 0, फेजर डोमेन में वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, और इस रजिस्टर के साथ अब आपके पास या क्या होगा, कैपेसिटर होगा, या रजिस्टर हो सकता है अकेले हो, या इसके साथ हो सकता है इंडक्टर हो इस तरह। ठीक है, या सिर्फ इंडक्टर हो किसी ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो अब ये हवा हम आर लिखते थे, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ जेड वन लिखेंगे। इस ब्रांच के पूरे एम्पिडेंस को या रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पिडेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, ये जेड वन हो गया, ये आपके पास जेड टू हो गया, ये आपके पास लेट सपोज ये अकेला रजिस्टर ही है तो ये जेड थ्री हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास सिर्फ इंडक्टर है इस ब्रांच के अंदर, ये सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जेड फोर हो जाएगा। जो हम केसीएल केवीएल लगाएंगे वही आपके पास सेम टू सेम टेक्निक होगी जिस तरीके से हम उसमें करते थे रेजिस्टिव सर्किट के लिए करते थे। ठीक है, लेट सपोज इधर हम ब्रांच करंट नोड एनालिसिस करेंगे तो ब्रांच का एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट करेंगे ना। ठीक है, लेट सपोज ये जो करंट इंटर हो रहा है, लेट सपोज यहाँ से लीव ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे अब डायरेक्शन ले लेते हैं।
तो वो आपके पास वही सेम टू सेम चीजें होगी। कहने का मकसद ये है कि एलसीए में सिंपल ब्रांचेस के अंदर सिर्फ रजिस्टर होता था, यहाँ अब आपके पास उसको हम ऐसे एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे जो कि उसके अंदर रजिस्टर भी हो सकते हैं, रजिस्टर और इंडक्टर भी हो सकते हैं, सिर्फ इंडक्टर भी हो सकते हैं, तीनों एक साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जेड कहेंगे, जिसे हम एम्पिडेंस, और ये हमने चैप्टर 9 के एंड में डिटेल से डिस्कस किया था कि एम्पिडेंस क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। बात मेरी समझ गए? अब इस मल्टी सोर्स नेटवर्क को या तो आप नोडल एनालिसिस एनालिसिस से सॉल्व करते हैं या सुपर पोजिशन एटसेट्रा इसी से सॉल्व करते हैं। जो इसकी लेट सपोज जो नोडल एनालिसिस है इसकी बात करते हैं, सिंपल नोडल एनालिसिस की, इसमें हम क्या करते थे, नोडल एनालिसिस में क्या करते थे, नोड सेट सबसे पहले करते हम नोड हाईलाइट करते थे सर्किट के अंदर। इसमें कितने नोड है, जो मैंने सर्किट बना रहा है इसमें एक नोड ये और एक नोड ये है, और एक आपके पास एक ग्राउंड है जिसको दो रेफरेंस नोड कहते हैं। तो हम टोटल नोड जिसको हमने एनालाइज करना है वो एन माइनस वन होता है। एन माइनस वन मीन्स कि अब टोटल इसमें तीन है ना, तो ये ग्राउंड वाला हटा कि आपने दो नोड्स के ऊपर जो है ना वो दो केसीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो दूसरा, एक तो हमने सबसे पहले क्या करना था, नोडल एनालिसिस के अंदर, नोडल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले नोड हाईलाइट कर दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ठीक है। फिर अगला काम क्या करते थे, हम इसके ऊपर केसीएल अप्लाई करते थे। केसीएल अप्लाई करते, करंट एंटरिंग इक्वल, आपके पास करंट के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएंगे, ठीक है। आई वन प्लस आई टू, जो भी आपने करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से ली होगी उस हिसाब से आपने इसको एनालाइज करना है। फिर अगला काम क्या करते थे, ओहम लॉ अप्लाई करते थे। क्या करते थे, ओहम लॉ, आई किसके इक्वल होता है, वी बाय आर के। तो अब यहाँ क्या होगा, वी बाय जेड हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, फेजर फॉर्म में आई इज इक्वल टू कैपिटल वी बाय जेड। तो वी को आपने वी ए या वी बी कहा हुआ है, और जेड आपके पास उस ब्रांच या उसके एम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, ये चीजें तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है ना, इस सिनारियो में तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ये जो अननोन वोल्टेज है ये आपने फाइंड करने हैं, वी ए और वी बी हम फाइंड करते थे, ये करते थे ना हम नोडल एनालिसिस में। ये आपके पास वोल्टेज आ जाता है बेसिकली, वो ओहम लॉ ही है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये आपके पास तो गिवन होता है, और आई और आर में आपने एक चीज फाइंड करना है। तो नोड एनालिसिस में हम ये फाइंड करते हैं, इसके बाद हम ये आई फाइंड कर सकते हैं, और मेश एनालिसिस में हम आई फाइंड करते हैं और आई के बाद फिर वी हम फाइंड कर सकते हैं। तो तीन है वेरिएबल्स, और तीन में एक तो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू गिवन होते हैं ना रजिस्टर्स की, और किसी भी ब्रांच का करंट या नोड वोल्टेज ये आप फाइंड करके अगली चीज आप खुद फाइंड कर सकते हैं। तो हमने अब क्या करना है, वही नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, ये सारे इसी चैप्टर में करना है। तो आज मैंने आपको ना ये इस सेशन में हम नोडल और मेश एनालिसिस करेंगे, अगले में वो थ्योरम्स वगैरह जल्दी करके इसको वाइंड अप करेंगे, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। बिकॉज इसमें ये चीजें आप लोग आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि नोडल एनालिसिस क्या होता है, मेश क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या है। दोबारा बता दूँ, सिंपल रेजिस्टिव सर्किट था या आपके पास रिएक्टिव सर्किट है, बस मतलब रजिस्टर के साथ इंडक्टर कैपेसिटर होंगे, बाकी जो प्रोसीजर है उसमें कोई जो है ना वो चेंज नहीं है। जैसे इस सर्किट में आपको देखे, ये नोडल एनालिसिस से आपको कहा जा रहा है कि आई एक्स फाइंड कर दें यूजिंग नोडल एनालिसिस। अब पेपर में अगर गिवन हो कि इस एनालिसिस के थ्रू आपने इस चीज को फाइंड करना है, तो फिर तो आपने वही यूज करना है, अदरवाइज अगर ना गिवन हो तो फिर आपकी मर्जी है, जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपको जो भी टूल ईजी लगे उसी से आपने इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि आई एक्स फाइंड कर दे, आई एक्स क्या है, इस ब्रांच का करंट यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले काम हमने क्या करना है, देखिए ये आपके पास में रजिस्टर तो रियल कंपोनेंट्स है, लेकिन ये जो दूसरी है ना कैपेसिटर और इंडक्टर, इनकी वैल्यू आपको किस डोमेन में गिवन है, ये टाइम डोमेन में गिवन है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, और सिमिलरली वोल्टेज सोर्स भी टाइम डोमेन में, ये टी नजर आ रहा है ना टाइम डोमेन में गिवन है, इसको फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो 20 कॉस 40 को हम इसके एम्पलीट्यूड लिखेंगे 20, और इसका एंगल नहीं लिखा हुआ तो मीन्स कि जीरो है, तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, वो 4 रेडियन पर सेकंड है, क्योंकि 40 लिखा हुआ है ना इसके साथ, ये देख सकते हैं 40 लिखा हुआ है तो 4 रेडियन पर सेकंड। अब 1 हेनरी को आप कन्वर्ट करेंगे तो जे ओमेगा एल, जे अपनी जगह और ओमेगा की बजाय 4 लिखेंगे, और एल की वैल्यू जो है ना वो 1 है, 1 हेनरी, तो ये जे 4 हो जाएगा, इसकी बजाय हम क्या लिखेंगे, जे 4 ये लिखा हुआ है, ठीक है। और वो एम्पिडेंस का जो है ना यूनिट ओमेगा ओहम, ठीक है, वो लिखा हुआ है साथ।
0.5 हेनरी को आप कन्वर्ट करेंगे तो जे ओमेगा एल, तो इसको आप 2 4 से जरा देंगे तो 0.5 को 4 से जरा तो जे 2 बन जाएगा। सिमिलरली इसको आप करेंगे तो 1 बाई जे ओमेगा सी, तो वो 1 बाई जे को हम 1 बाई जे, मैंने आपको कहा है कि 1 बाई जे इक्वल होता है माइनस जे के, ठीक है। इसको आप रिवर्स कर इन्वर्स करते हैं तो वो माइनस जे, तो इसको आप ये पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.1 को 4 से जरा देंगे तो 0.4 होगा, 0.4 का इन्वर्स लेंगे तो 2.5 आ जाएगा और 1 बाई जे का इन्वर्स लेंगे तो वो माइनस जे आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आ गए, फिर ये सर्किट बना दिया आपने। ये आप किस डोमेन में है, ये फ्रिक्वेंसी डोमेन इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास आ गया, सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, ये इस सर्किट का आपके पास ये टाइम डोमेन में था और ये फ्रिक्वेंसी डोमेन इक्विवेलेंट सर्किट सबसे पहले आपने बना दिया। इस डोमेन में एनालाइज करना मुश्किल होगा, इस वजह से इसको हमने फेजर डोमेन फ्रिक्वेंसी डोमेन में पहले कन्वर्ट करके सारी वैल्यूज कर दी। ठीक है, अब ये नोटेशन, अब नोड एनालिसिस में सबसे काम पहले काम हम क्या करते हैं, उसमें नोड्स हाईलाइट करते हैं। इसमें कितना नोड्स है, एक नोड ये है, ये हाईलाइट हो गया, एक नोड ये, एक ही ग्राउंड है, तो टोटल से हम फिर ये ग्राउंड सेपरेट करते हैं ना, तो टोटल नोड्स बेसिकली जिसको हमने एनालाइज करना है वो ये है। नोड कौन सा पॉइंट होता है जिसपे आपके पास जो है ना वो करंट डिवाइड होता है, ठीक है, जिसपे मुख्तलिफ ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं और वो इसमें आपके पास करंट वहां पहुंच के वो डिवाइड होते हैं। तो अगला ये नोड हाईलाइट हो गया, इसको आप वी वन नाम लिखते हैं, वी टू या वी ए या वी बी, आपकी मर्जी है जो नाम आप इस वेरिएबल को देते हैं। अगला काम क्या करना है, इसमें केसीएल अप्लाई करें, तो केसीएल क्या कहते हैं, अच्छा दूसरी बात ये ना कि अपनी मर्जी से जो है ना इसमें आई एक्स, तो इसका नाम लिखा हुआ है ना, तो ये तो हमने फाइंड करना है और बाकी जो करंट्स हैं ना इनको आप अगर अपने से वो वैल्यूज देते हैं तो वेल एंड गुड। लेट्स सपोज इसको आपने ये तो आई एक्स इसको नाम दिया हुआ है, इसको आप आई वन नाम दे दें, ठीक है, यहाँ से इसको आई वन नाम दे दें, आपकी मर्जी, इसको आई टू फिर दे दें आई टू, ये आपके पास ये करंट चूंकि इधर से ऐसे ही आ रहा है, ये टू आई एक्स इसका नाम ऑलरेडी है, तो ये आपके पास ये वाला फिर आपके पास आई थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक एडिशनल स्टेप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस लेवल पे आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट इस पे वो करें। अब जाहिर सी बात है ये एंट्रिंग करंट है, वो डायरेक्शन की वन है ना, तो अगर मैं ये वाला स्टेप ना मैं जरा थोड़ा सा आपको एलाबोरेट कर दूं कि ये कैसे आ, ये बाद में इसके ऊपर वो लगा हुआ है, लेकिन आप केसीएल लगाते तो केसीएल क्या कहते हैं कि एंट्रिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट, ठीक है। इसको आपने आई वन नाम दे दिया, इसको आपने आई टू नाम दे दिया और ये बाई वो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी आई एक्स की वन है, तो आपके पास आई वन इक्वल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केसीएल ये आई एक्स कैपिटल आई, इसको भी हमने कैपिटल आई से वैसे रिप्रेजेंट करना, ये कैपिटल आई वन हो जाएगा, तो कैपिटल आई वन इज इक्वल टू आई एक्स प्लस कैपिटल आई टू, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो गया, अब आपने क्या करना है इसके ऊपर अगला काम के इस पे अपने ओहम ला अप्लाई करना है, तो ओहम ला क्या कहते हैं, वी डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू सिंपल वी बाई आर ना, तो अब इसमें कितना वोल्टेज है ना इसके साथ, तो आपके पास आप देखिए इस एंड के ऊपर इस ये जो करंट है इसके इस एंड के ऊपर ये वोल्टेज आपके पास जो है ना वो आ रहा है, मतलब इस रेजिस्टर को अगर आप एनालाइज करें इसके एक एंड के ऊपर ये सप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, जो कि आपके पास 20 और एंगल 0 और दूसरे एंड के ऊपर वो आपके पास क्या है वो वी वन है, ठीक है। तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं ना, ठीक है, या इनिशियल माइनस फाइनल व्हाटएवर आप लिखे, तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो ये आपके पास ये 20 माइनस वी वन हो जाएगा, ये रेजिस्टर्स के एक एंड पे ये है वोल्टेज और दूसरे एंड पे आपने वी वन कर दिया, तो इस वजह से ये 20 माइनस वी वन हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो, अब अगर ये ग्राउंड होता है ना जिस तरह इस केस में ग्राउंड, अब आप देखेंगे इसमें वी वन माइनस जीरो होता है ना, तो उसको हम जीरो को लिखते हैं और डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, तो वहाँ वी आर, तो और अब चूंकि ये एम्पिडेंस आर सिंपल रिएक्टिव रियल कॉम्पोनेट है तो आर हो गया, अदरवाइज इस केस में हम फिर जेड लिखते हैं, तो 20 माइनस वी वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय दिस 10, ये एक आ गया, ये इस करंट की वैल्यू हो गई। आई एक्स किसके इक्वल है, इसके ऊपर जो नोड वोल्टेज है वो वी वन है माइनस ग्राउंड वोल्टेज वो जीरो होता है, तो इक्वल टू ये वी वन माइनस जीरो, तो आप लिखते हैं जीरो या नहीं लिखे तो एक ही बात है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बेसिकली एम्पिडेंस है इस केस में, ये आर आपके पास जेड हो जाएगा ना, और उसकी वैल्यू है माइनस जे 2.5, तो वी वन डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, फिर प्लस अब इस आई टू क्या है, ये वाला करंट, तो इसके एक एंड पे वी टू है और दूसरे एंड पे वी वन है, ठीक है, तो आपने यहाँ भी हमने ये वाला पहले लिया ये बाद में लिया जो करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये वी वन माइनस वी टू आपने लिख दिया। अगर आप उल्टा करेंगे तो फिर इधर भी वी वन माइनस 20 लिखेंगे, इधर भी वी टू माइनस वी वन लिखेंगे, भारत जो एक सिनारियो आप एक ने से डिजाइन कर दें तो पूरे सर्किट में आपने फिर उसी को ही फॉलो अप करना है,
तो अब ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसके एक करंट पी वी वन है, दूसरा पी वी टू है, तो वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई दिस इम्पिडेंस जे फोर, ठीक है। अब बाकी तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये जरा इसको रीअरेंज कर दे, इसका एलसीएम ले ले या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ये कर सकते हैं ना। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप इधर सॉल्व भी है, लेकिन इसको आपने सर। हाँ वैल्यू चेंज होगी पेपर में, तो ऐसा नहीं कि फिर या आप ऐसे डायरेक्ट ने इसको, अब सिंपल ना वेरिएबल्स को अलाइदा करें, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको अलाइदा कर दे, इमेजनरी को अलाइदा कर, उनको एड सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ गया। इसमें वेरिएबल क्या है, वी वन है और वी टू है, एक इक्वेशन ये आ गई, इसके साथ ये है मतलब इम्पिडेंस और ये इसके साथ ये वाला है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब ये एक नोड के, ये तो एक का हो गया ना, इस नोड पे हमने ये केसीएल अप्लाई किया। अब अगला केसीएल हमने किस पे अप्लाई करना है, इस वाले पे करना है, इस नोड पे। अब इसमें देखिए ये आई टू एंटर हो रहा है, दिस आई टू, ये आई टू मैं जरा क्लियर लिख दूं, दिस इज कैपिटल आई टू, ये आपने हाईलाइट करने, और दिस इज कैपिटल आई थ्री। तो इसमें देखिए ये टू आई एक्स एंटर हो रहा है, अगर हम यहाँ लिखे टू या अब इस लाइन पे लिखे टू आई एक्स एंटर हो रहा है, और ये आई टू भी एंटर हो रहा है, तो ये टू आई एक्स भी एंटर हो रहा है और आई टू भी एंटर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो आई थ्री लीव हो रहा है, तो दिस टू आई एक्स प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री। अब क्या करना है, हमने हर एक को ओम लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। अब टू आई एक्स को अपनी जगह लिख दिया, क्योंकि ये आई एक्स अगले उसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले जरा इसको इस फॉर्म में लिखते, बाद में इसमें आई एक्स की वैल्यू जस्ट हमने पुट करनी है। और आई टू का अगर आप देखें सर्किट के अंदर, तो आई टू ये वाला करंट है ना। अब इसके नोट से हिसाब से आप करेंगे तो वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, वी वन माइनस वी टू, ये आई टू का आपने क्या लिया था, वी वन माइनस वी टू इसी के अंदर, तो अभी हमने ये किया, तो ये वी वन माइनस वी टू हो जाएगा डिवाइड बाई डेट एम्पिडेंस जे फोर हो जाएगा। और आई थ्री को आप देखें, तो आई थ्री आपके पास इधर वी टू है और ये ग्राउंड नोड है ना, तो वी टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जे टू ओम हो जाएगा, तो वी टू माइनस जीरो तो वो वी टू हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जे टू, ठीक है। अब आई एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये कहाँ से आ गए, तो आई एक्स देखिए किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई एक्स ये जो डिपेंडेंट सोर्स है ये कौन सा सोर्स है, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है, मतलब करंट जनरेट करेगा लेकिन ये किसी ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आई एक्स ये वाला है और ये दिस पर्टिकुलर वो इक्वल है वी डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस, तो वी वन डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस, तो वी वन डिवाइडेड बाय माइनस जे 2.5, इसको इसमें पुट कर दे, ये आपके पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये सिंपल वी वन वी टू इसमें वेरिएबल है, और बाकी तो आपके पास जो है ना वो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये सबसे पहले इनको इस मैं बार बार बता रहा हूँ, काफी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जे फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सबको, जी जय सिंह, जे फोर से सर। हाँ जे फोर से मल्टीप्लाई कर ले सबसे पहले, फिर वहाँ बिल्कुल जे फोर से करे तो ये वाला कैंसिल आउट बस हो जाए। उसके बाद सब्ट्रैक्ट माइनस होगा सर। हाँ बस मतलब इसको आपने ना प्रैक्टिस, ये मैं कहने का मकसद ये कि जरा डायरेक्ट स्टेप सॉल्व है ना, तो फाइनल आंसर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले आपके पांच छह स्टेप या चार पांच एटलीस्ट स्टेप इन्वॉल्व है, जिसमें जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का गेम चलता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का वो गेम हमने चैप्टर 9 में डिटेल से डिस्कस किया, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ हम जो सीख रहे हैं अगले चैप्टर्स में ये जस्ट एक स्टेप में यूज होंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम जे फोर से तो जे सबसे कट नहीं जाएगा सारा। लेकिन आसान सा ये है ना कि 2 को 2.5 पे डिवाइड कर दे, यहाँ कोई पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, और ये वन और जे है ना, इसको अगर मैं एक्स पे आपको कर दूँ तो ना, तो ये माइनस वन बाई जे, ये जे वी वन हो जाएगा, और इसके साथ कुछ कांस्टेंट तो आ जाएगा जी, ये 2 और 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और ये वी वन माइनस वी ये है ना, इसको भी ये ऊपर जे कर लेना, तो ये माइनस सर अगर मल्टीप्लाई कर जे कट नहीं जाएगा सबका, जे फोर से मल्टीप्लाई करते हैं अगर। नहीं ना जे और माइनस जे नहीं कट सकता ना, आप जे और डिवाइडेड यहाँ से माइनस वन, हाँ वैसे कट जाएगा, माइनस वन रह जाएगा ना, तो उस माइनस को फिर आप उसके साथ ऊपर लगा ले, उस तरीके से भी कर सकते हैं, जे फोर के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दे, बिल्कुल जे फोर के साथ इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इस पे आप प्रैक्टिस कर ले, अदरवाइज इनवर्स लेंगे 1/2 ये 0.5 हो जाएगा और जे ऊपर जाके माइनस जे हो जाएगा, तो ये वाला पर्टिकुलर टर्म ना, ये अगर हम कहने ये 0.5 और माइनस जे ना, तो ये माइनस
ऊपर जाके माइनस जे हो जाएगा और वी टू। इसमें फिर सेम वेरिएबल्स को एक साइड पे कर दे, वी वन और वी टू, वी वन को एक साइड पे कर दे, मतलब वो एड अप हो जाएंगे, और वी टू के साथ जो है वो आपस में एड अप हो जाएंगे। बहरहाल इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। इसमें ऐसे लग रहा है कि वो जो इमेजनरी कंपोनेंट है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, सारा रियली आ रहा है। ठीक है, इसमें आप देखिए दूसरे में तो हमारे पास ये वी वन के साथ ये इमेजनरी आ गया और ये वी टू के साथ भी इमेजनरी जो है ना वो कोएफिशिएंट आ गया। तो अब अगेन ये दो इक्वेशन बन गए, एक इक्वेशन ये बन गया और एक पिछले स्लाइड में था। ठीक है, तो इनको आप अगर ऐसे नंबर्स आ जाते हैं कि उनको आप सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सके तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी मेथड ये वाला है, जो ये कौन सा मेथड है, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना, इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो पहला इक्वेशन बन जाएगा, और इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दूसरा इक्वेशन बनता है, और इक्वल टू एक 20 के इक्वल तो और एक 0 के, तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, हम ये दोनों वोल्टेज अननोन वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर दोनों ना भी करें, जी जी और ये वोल्टेज का अगर हमें पता चल जाता है तो इस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू करेंगे तो ये आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमें सिर्फ ये एक वैल्यू पूछी गई है ना, तो हम ये सबसे पहले वो क्रेमर रूल यूज करते हैं। क्रेमर रूल्स का पता है, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। वो कह रहा है ना कि अगर आपने ये वेरिएबल फाइंड करना है, ठीक है, तो आपने इस पूरे कॉलम को ये जो है ना इक्वल टू के इस साइड पे, ठीक है, इसको आपने इधर रिप्लेस कर देना, ठीक है, इसके अंदर जिस तरह ये रिप्लेस हुआ हुआ है। ठीक है, इसको आप डेल्टा वन नाम दे रहे हैं। ठीक है, और अगर दूसरा फाइंड करना है तो इसको आपने फिर इधर रिप्लेस करना है दूसरे कॉलम की बजाय, और आपने इसको इसी मैट्रिक्स को इसके इस वाले मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है। डिटरमिनेंट क्या होता है, आप ये मॉडल इस तरह लिखते हैं और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एड सब्ट्रैक्ट, तो ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर इसके हिसाब से करेंगे। ये ना कैलकुलेटर से बड़ा ईजी हो जाता है, कैलकुलेटर की जरूरत है, इसलिए यूट्यूब के ऊपर वैल्यू वो भी अवेलेबल है इसका, कैसे इमेजिनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाइड और डिवाइड वगैरह करते हैं, तो वो आपके पास बड़ा सिंपल हो जाता है। आपके पास ये जस्ट वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर आप लिख दे, ये आपके पास फाइनल वैल्यू जल्दी निकाल के दे देते हैं। तो ये डिटरमिनेंट आ गया। अब पहले वेरिएबल वी वन के फाइंड करने के लिए वो क्या कहता है क्रेमर रूल के, इसको इस वैल्यू को आपने यहाँ लिख ले लिया, ठीक है, वो आपने ये लिख दी, ये वैल्यू आ गई, दूसरा कॉलम अपनी जगह लिख दिया, और उसका डिटरमिनेंट लेने, उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये 300 है, बिकॉज ये जीरो हो जाएगा, 20 × 15 आपके पास 300 हो जाते हैं। ठीक है, और इसको इस डेल्टा वन को मींस कि इस डिटरमिनेंट से जो वैल्यू आ गई, इसको आप इस डिटरमिनेंट के ऊपर ना मैट्रिक्स के ओरिजिनल फॉर्म को जो आपने डिटरमिनेंट लिया उसके ऊपर डिवाइड करें तो वो आपके पास ये वी वन की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये है। ठीक है, सिमिलरली वी टू के लिए आपने इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करना है। ठीक है, जो कि यहाँ रिप्लेस हुई है, ये देखिए इस वाले में ये डेल्टा टू हो जाएगा, और इसका भी आपने डिटरमिनेंट लेना है तो डिटरमिनेंट लेंगे आपके पास -220 आ जाएगा, और V2 के लिए फिर इस -220 को इस वाले वैल्यू के ऊपर डिवाइड करना है, तो -220 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये V1 और V2 दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये क्या फाइनल आंसर है, नहीं, हमने IX फाइंड करना है, और IX इक्वल है V1 डिवाइडेड बाय वो क्या था, J -J 2.5 -J 2.5, तो इस V1 को इसके ऊपर डिवाइड कर दे, IX आ जाएगा। अगले स्लाइड में शायद है या अभी इसमें वो मिसिंग है, तो बहरहाल इसको इसके ऊपर कर दे, वो मिसिंग है बात, ये कर सकोगे, इस वी वन को इसके ऊपर डिवाइड कर दे तो आपके पास आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और आई एक्स वो फेजर डोमेन में आ जाएगा, मतलब समथिंग एंगल समथिंग आ जाएगा ना, तो उसको फिर टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर देने, वो फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई, मैश एनालिसिस क्या कहते हैं, मैश एनालिसिस में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, हम लूप आइडेंटिफाई करते थे कि सर्किट जिसको आप एनालाइज कर उसमें लूप्स कितने हैं, इसमें कितने लूप है, क्लोज लूप ये 1, 2 और 3, एक काम हो गया। दूसरा काम ये करते थे हम कि उनको नाम देते थे,
आपकी मर्जी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तो, लेकिन जो भी आप डायरेक्शन डिसाइड करोगे उसी को पूरी सर्किट पे अप्लाई करना। ऐसा ना कि कुछ में क्लॉक हो कुछ में एंटी क्लॉक, ये गलती नहीं करना। तो ये लूप वन हो गया, ये लूप टू हो गया, ये लूप थ्री हो गया, ठीक है। अगला काम क्या करना है, हमने इस लूप के ऊपर केवीएल अप्लाई करना है। क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है, और उससे अगला काम क्या करना है, वो जो इक्वेशन आ जाएगी ठीक है, उसको फिर आपने उस वोल्टेजेस को फिर क्या करना है, ओहमला अप्लाई करना है, ओहमला अप्लाई करना है। तो ओहमला अप्लाई करने के बाद आपके पास वेरिएबल करंट आ जाते हैं, और इस अननोन करंट्स को हमने फाइंड करना है कि इस लूप के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये लूप करंट आपके पास आ जाते हैं तो इन वोल्टेजेस को फिर आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब अदरवाइज इसमें तो हमें ये करंट ही पूछा गया है, क्या कौन सा करंट पूछा गया है, आई नॉट पूछा गया। और आई नॉट कौन सा करंट है, आई नॉट वो करंट है जो ये गिवन है, ये देखकर इसकी डायरेक्शन ऐसी है। और ये जो लूप करंट हमने लिया है वो आई टू है, और उसकी डायरेक्शन ये है, ये क्लॉक वाइज और दूसरा एंटी क्लॉक वाइज है, ठीक है। तो इसका मतलब देखें ना कि आई टू अगर इस डायरेक्शन में हमने लिया जो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसकी डायरेक्शन ए से आ गई, तो जो आई नॉट हमें डिटरमाइन करना है उसकी डायरेक्शन ए से, उससे रिवर्स है। ये बात समझ गए। तो इस हमने क्या करना है, हमने यही वाला आई टू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू जो भी आ जाएगी, लेट्स सपोज 5 एम्पीयर समथिंग एंगल आ जाता है, तो उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि आपके पास डायरेक्शन क्या है वो नेगेटिव है। बाकी यही आई नॉट बेसिकली यही आई टू ही है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले लूप आइडेंटिफाई हो गया, लूप्स को नाम दे दिए आई वन आई टू आई थ्री सब, और अब हमने क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। केवीएल क्या कहते हैं, सम ऑफ राइज एंड ड्रॉप वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस लूप में आई वन में आप देखें ना, इसमें कोई सोर्स है, इस लूप में कोई सोर्स नजर आ रहा है, कौन आई वन वाले में सर नहीं है ना सर, आई वन में कोई सोर्स नहीं है तो इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। बाकी ये देख, इसमें आप ये रेजिस्टेंस यहाँ से इसमें ना एट, ये भी डायरेक्ट स्टेप हुआ हुआ है ना, मैं सिर्फ एक स्टेप आपको सॉल्व कर दूं, बेसिकली ये कि एट इनटू आई वन हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस ये टेन ओम एक साइड में आई वन, वेरी गुड, ये एक बंदा समझ रहा है, ये आई वन माइनस आई टू हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला माइनस हो जाएगा माइनस जे टू आई वन माइनस आई, हाँ आई वन माइनस आई टू, सर जो इससे जो पीछे वाला आई वन आई थ्री होगा, जो ये आई थ्री होगा, ये गलत लिखा, ये आई थ्री होगा, ये आई वन माइनस आई टू हो जाएगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, जो आई वन है उसके साथ जो उनमें से कॉमन लेंगे ना, आई वन, आई वन के टर्म अलायदा करेंगे, आई टू के अलायदा करेंगे और आई थ्री अलायदा करेंगे, तो आपके पास ये क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरे मेश में भी आप यही करेंगे, पहले अलायदा अलायदा लिखेंगे, इसमें एक एक स्टेप मिसिंग है, ठीक है, ये बुक से मैंने लिखा हुआ है, बोर्ड पे मैं करता तो इसको, तो मैं फिर डिटेल से वो स्टेप लिखते हैं हम, फिर इसके बाद ये सॉल्व करके आ जाते हैं, लेकिन इस लेवल पे आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आई टू पे अप्लाई करें, देखें ना इसमें सोर्स है ना, तो इक्वल टू ये हो जाएगा, उसको आप ये बेसिकली पॉजिटिव है, और ऊपर से आपने ये जो लूप की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन ऐसे बन रही है, तो ये पॉजिटिव उसमें एंटर हो रहा है, तो इस साइड के ऊपर ये इक्वल टू ये सम ऑफ राइज एंड ड्रॉप इक्वल टू जीरो आप लिखेंगे ना, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, अदरवाइज ये पोलैरिटी उल्टी होती ना, तो इसको आप नेगेटिव साइन के साथ फिर लिखते, ये नेगेटिव ऊपर होता और पॉजिटिव नीचे होता, तो फिर आप इसको ऐसे लिखते। बहरहाल इसको आपने ये कर दिया, आई टू को अलायदा करना है, आई वन को अलायदा करना है, ये अलायदा करना है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जे 20 लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को 90 एंगल है ना, 90 एंगल के बजाय हम जे लिख सकते हैं ना, और 20 उसके साथ, ये कॉम्प्लेक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, आपके पास फाइनल जो है ना वो इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसमें तीसरा लूप की तरह, सॉरी हाँ मेश थ्री ये लिखा हुआ है ना, मेश थ्री आई थ्री इज इक्वल, अच्छा अब मेश थ्री में ना कि ये कैसे हुआ है मुझे कोई बताए, आई थ्री इज इक्वल टू फाइव, सर मेश थ्री में अब ये देखे ना कि ये कौन सा सोर्स गिवन है, वो उन्होंने ऊपर वाले दोनों क्वेश्चनों को सर्व किया, नहीं 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 नहीं, ये देखे ना ये क्या किया हुआ है, ये क्या है, ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है ना, इसलिए केवीएल लगा लिया, करंट सोर्स है, अब ये करंट सोर्स है तो यही लूप करंट और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब कि आपके पास i3 5 एम्पीयर यही जो सोर्स इस लूप में लगा हुआ है, यही करंट फ्लो होगा जो ऑलरेडी करंट सोर्स है,
तो इस वजह से तीसरा इक्वेशन उसमें हमें ये कहानी करनी नहीं पड़ी। तो ये आप i3 के वैल्यू ये आ गए, और इस i3 के वैल्यू को आप जिधर भी ऊपर है ना, इधर रिक्वायर्ड है इधर रिक्वायर्ड है, इसमें पुट करेंगे ना तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा। ये इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे ना, ये दो इक्वेशन तो मैश वन और मैश टू का आ गया, ठीक है, और i3 आपके पास डायरेक्ट 5 इसके इक्वल आ गया, और एंगल 0 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इन इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ये आ गया, i3 की वैल्यू जस्ट पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर दिया, और इसमें भी i3 की वैल्यू पुट कर दिया सॉल्व कर दिया, इक्वेशन ये आ गया। अब वेरिएबल्स क्या है, i1 है और i2 है, तो ये सिंपल आपके पास 2 डायमेंशन का वो बन गया, दो वेरिएबल्स हैं 2x2 का, ठीक है। इसके साथ इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दे, और इसे i1 और i2 सेम टू सेम प्रोसीजर से हमने फाइंड करने। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट ले, सर ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे स्टेप सर जी, सर ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से स्टेप कर लेंगे, ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ बस कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वेल एंड गुड, लेकिन इसमें वैल्यूज लिखने हैं, लिख कर बताना है कि इसके बाद ये हो गया। और i1 के लिए इसको यहाँ रिप्लेस करना है और डिवाइडेड बाय दिस डिटरमिनेंट, और i2 के लिए इसको यहाँ लिखना है और डिवाइडेड बाय उसका डिटरमिनेंट लेके इस वाले डिटरमिनेंट के ऊपर डिवाइड करना है, ठीक है। तो बहरहाल हमें इसमें दोनों नहीं करने पड़े, हमें सिंपल ये i2 रिक्वायर्ड है, तो यहाँ भी हमने सिर्फ ये वाला काम किया, इसको यहाँ रिप्लेस कर दे, ये देखिए ये रिप्लेस हो गया वैल्यू, और इस डिटरमिनेंट पे इसको डिवाइड कर दे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा और इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 68, तो 68 के ऊपर इसे डिवाइड कर दे, आपके पास ये i2 आ गया और उसके साथ एंगल है -35.22 डिग्री, ठीक है। अब ये i2 बेसिकली i0 इसके इनवर्स था ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू थी, तो आपने क्या करना है कि उसके अच्छा टाइम का काम आ रहा है, अच्छा ये क्या कर दिया इसने, i0 इज इक्वल टू -i2 ना, तो ये क्या हो गया, ये माइनस के साथ ही एंगल के साथ क्या हो गया, भाई सुन रहे हो, यस सर यस, i0 आपके पास, i2 आपके पास आ गया क्या 62 और -35, तो -35 यहाँ का ही होगा ना, इस साइड में एंगल क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन होती है ना, ये 35.2, ठीक है, और ये 6 6 6 जो है ना इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब ये 144 कहाँ से आ गया, ये माइनस है ना जी, इस पे सोचे भाई, जो डिजायर करंट है i0 उसकी डायरेक्शन ऐसे है, जो हमने करंट फाइंड किया i2 उसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू तो करंट की वही रहेगी ना, 6.12 एम्पेयर ही होगी, डायरेक्शन चेंज होने से ये एंगल आपके पास क्या हो गया, ये 135 कहाँ से आ गया, सॉरी 144 कहाँ से आ गया 35 के लिए, इस पे सोचिए, ये आपने मेहनत किया ना 180 में से, 180 में से माइनस किया कैसे, 180 में से जरा कर ले, कैलकुलेटर है आपके पास, ये आता है यही आएगा, हाँ यही आएगा, एक मिनट सर मैं कर लेता, 144 प्लस 35 वैसे यही है, प्लस करने से यही है 180 में, से आपने चलो जीरो से एंगल, हाँ हाँ प्लस कर दिया सर, सर जीरो से वन, ये 180 है ना, आगे से इतने एंगल से प्लस कर दिया, नहीं तो हुआ कैसे है, एक सेकंड, ये वैल्यू माइनस लेकिन होगी तो प्लस ना, 180 से आगे जा रहा है ना एंगल, जो ये टोटल 180 है ना, ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें है कुछ टेक्निकलिटीज के ऊपर सोचे, बहरहाल इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी सेशन में टाइम थोड़ा है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, जो हाजिर है वो जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा ले, आप लोगों की क्लास बिल्कुल नहीं आ रही, चैट में प्रेजेंट लिख दे अपना,
चले जी, मैं अगला सेशन क्रिएट करता हूँ ना, तो उसमें फिर ये जो सुपरपोजिशन और ये जल्दी जल्दी करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, थेवेनिन, और बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपने ना इन चीज़ों को, इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो इस पे प्रैक्टिस करना है बार बार, मैं बता रहा हूँ। ये तो टेक्निक और मेथड सेम है, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस पे आपका बड़ा फास्ट वो होना चाहिए, अदरवाइज में फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि फाइनल आपका टाइम गेम होगा ना, 3 आवर्स का है, उसके अंदर लिख के अपलोड करना है, तो प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, मैं अगला सेशन जल्दी क्रिएट कर रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर दे के, वो भी बस 30 मिनट्स तक लेते, 30-35 तक, तो फिर ये चैप्टर एंड करते। ठीक है,